क्यों, तुम्हें नहीं लग रहा? नहीं, तुम्हारा चेहरा तुम्हारे लफ्जों का साथ नहीं दे रहा। खैर, तुम्हारा बहुत करीबी दोस्त था ना। दोस्तों वो तुम्हारा भी था, फिर क्यों की तुमने ये हरकत? सार तुम ऐसे तो नहीं थे। तुम तुम्हारी बहन नहीं है ना? अगर होती तो तुम ये सवाल कभी ना करते हैं, क्योंकि उसने जो हमें दर्द दिया ना रुपोश होने के बाद, वो हम ही जानते हैं। उसके दोस्तों के सर्कल से पूछो, कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा तुम्हें। हाँ, अरे मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि उसके फ्रेंड सर्कल से पता करूं, मगर अगर तुम कहते हो तो अखबार में खबर दे दो। खैर, मैं यहां इसलिए आया हूं कि प्लीज, अगर तुम्हें उसके किसी खुफिया फ्रेंड के बारे में पता है तो जस्ट डू लेट मी नो। अम्मी उसे याद करते करते बीमार पड़ रही है। क्या हाल है? मैं ठीक हूं। आप कई दिन बाद आए, सब खैरियत थी? एक्चुअली मेराल की तबीयत ठीक नहीं थी। शी इज एक्सपेक्टिंग। सच? माशाल्लाह, आपको बहुत मुबारक हो। थैंक यू। तुम्हें भी मुबारक हो। हिसार की बेल अप्रूव हो गई है। क्या हुआ, खुशी नहीं हुई? समझ नहीं आ रहा कि इस बात पर खुश हूं या रहूं। मेरा भाई जेल से छूट गया, खुशी की बात तो है, लेकिन मेरे शौहर का कातिल बच गया। अब इस पर क्या कहूं? अनाया, आप वो एक जज्बाती हादसा था, लेकिन इस वक्त तुम्हारी गुमशुदगी पूरी फैमिली के लिए एक मम्मा बन गई है। कल इशार मिला था मुझे और मुस्तकिल वो ये जांचने की कोशिश कर रहा था कि क्या मैं जानता हूं तुम कहां पे हो। तो बता देते उसे कि मैं यहां इस जगह हूं। जाओ, जाके मार दो उसे भी। उनकी इज्जत पर लगा धब्बा, शायद मेरे खून बहने से ही साफ हो जाए। अगर यही करना होता मुझे यहां तो मैं ना छुपाता। नायब, क्या हुआ, तबीयत खराब हो रही है? हाँ, वो शायद बाहर का खाना खाने की आदत नहीं है तो नौजिया और अजीब सी तबीयत हो रही थी। तो डॉक्टर के चलें क्या? अब नहीं, डॉक्टर की तो जरूरत नहीं है, आप बस खुद ही कोई दवाई ला दें, मैं खा लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। आर यू श्योर? जी, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन ले आता हूँ। अगर तबीयत जरा सी भी और खराब हो तो मुझे कॉल कर देना, खुद से परेशान मत होती रहना। मैं कर दूंगी।